बढ़ते आगे, प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है। इस बार कोविड काल के चलते साधु संतों और श्रद्धालुओं को कोरोना ना हो, उसके लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। माघ मेला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की कई टीमों को गठित किया है, जो साधु संतों के शिविर में जाकर कोविड की जांच कर रही हैं। वहीं प्रशासन ने हर सेक्टर में एक टीम को लगाया है, जिसमें 4 सदस्य शामिल हैं। एक टीम में 2 डॉक्टर का चयन किया गया है, जो पीपी किट पहनकर हर शिविर में जाते हैं और वहां मौजूद साधु संत और श्रद्धालुओं की कोविड जांच करते हैं। वहीं शिविर में रह रहे साधु संतों का कहना है कि सरकार की मंशा सार्थक है और उनका प्रयास सफल है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बेहद सावधानी के साथ कोरोना की जांच कर रहे हैं और माघ मेले में आए श्रद्धालु और साधु संत उनका साथ भी दे रहे हैं। हम लोग ये 16-40 कर रहे हैं ये जांच, और हम लोग सेक्टर 3 में लगा हुआ है। हमारी वैन नंबर 2 है, जिसमें डॉक्टर साहब हैं LT गजाधर सिंह, मैं अशोक कुमार यादव LT, और अध्यापक हैं श्री कमल यादव, और ड्राइवर हमारे अनिल यादव हैं। हम पंडाल में जा के सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। कितना सहयोग मिल रहा है साधु संतों और यहाँ का सहयोग कितना कर रहे हैं? पूरा सहयोग मिल रहा है साधु संतों का। 16 तारीख से चालू है हमारी। सरकार बहुत अच्छी है, जांच करने वाले डॉक्टर भी अच्छे हैं, और नली लगाया है नाक में, नहीं लगाने के बाद जो भी उनको करना है वो अपना कर रहे हैं, और हमको यहाँ पर आराम है हर तरीके से, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि किसी का डर हो या कुछ ऐसा चीज नहीं है। नहीं, ये सरकार की पहल बहुत अच्छी है, इसलिए कि सबको कैंप डॉक्टर बेचारे अपना जांच कर रहे हैं, सबको संतुष्ट भी कर रहे हैं। और जब नाक में डाल करके क्या डाले हैं अब ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा। नाक में नली डाला है और डाल करके वो चेक किया है। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।